मुझे तो अपने पाकिस्तानी जो है ना, मैं इतने बिछे हुए हैं, ये प्रोपेगेंडा सर ये शो करता है कि प्रोपेगेंडा कितना यूजफुल है, और लोग मोस्टली जो लोग होते हैं वो वाकई भेड़े होती हैं। अवाम को आप जिधर मर्जी लगा दें लग जाते हैं, उनको पाक चीन दोस्ती की हमने डोली इनको लगाई हुई है बड़े अरसे से, जो कि ठीक है, और आप उनसे पैसे पकड़ रहे हो कोई बात नहीं, लेट जाओ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अमेरिका के आगे लेटना, चाइना के आगे लेटना, लेटना तो लेट नहीं है। लेकिन जो आयरोनिकल बात है, अमेरिका में इंसानी हकूक है, अमेरिका में मजहबी आजादी है, अमरीका को आपके इस्लाम की नमाजें मस्जिदें पढ़ने से कोई तकलीफ नहीं है, फ्रीडम के ऊपर बेस है। लेकिन इन्होंने अमरीका से नफरत डाली हुई है फॉर पोलिटिकल रीजन, चाइना के आगे लेटे हुए हम बताते रहते हैं वीगर में ये हो रहा है, जो शिनजांग में ये हो रहा है वगैरह वगैरह, वहां पर उसका नाम नहीं लेते। ये मैंने बड़ी देखी, अभी बीबीसी ने एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट, एक पाकिस्तानी वीगर का इंटरव्यू उर्दू में छापा सर, जिसमें वो बता रहा था कि हाँ, मैंने हमारा देखा हुआ, वीगर, मैंने देखा हुआ हाँ वो वो जिसमें वाला, उसने स्कूल खोला हुआ था, उस वाला लगी ना। हाँ, मैंने हाँ, देखा वही हुआ। वाला, उसने हाँ नीचे कमेंट्स आप पढ़े, वो जी गालियां दे रहे हैं उसको, हालांकि वो पाकिस्तानी बन चुका, वो माइग्रेट करके आया हुआ कुछ 40 या 35 40 साल पहले, वो मगर उसका कह रहे हैं स्कूल वगैरह जी बंद करा दिया सारा कुछ। हाँ वो करवा दिया होगा चाइना ने, तो हाँ, वो स्कूल बंद है उसका। उन्होंने कहा जी वो पाकिस्तानी उसको गालियां दे रहे थे और कह रहे थे चाइना तो बड़ा अच्छा, चाइना तो बड़ा अच्छा। तो चाइना को हमें ये भी खबरें आई हैं कि चाइना ने कुरान बदल दिए हमें, तो आप देखें चाइना भाई पैसा बोलता है, चाइना के आगे नहीं, चाइना ने हिलने देना। तो एप्पल ने साथ चाइना में कुरान ऐप ही रिमूव कर दिया, हैं? ये बीबीसी की ओ, खबर वाह जी है वाह, क्या बात है, क्या बात है। इसका मतलब सॉरी। एप्पल भी लेट गया चाइना के आगे सॉरी क्यों नहीं लेट भाई, होंगे, बिलियंस ऑफ हाँ डॉलर्स की, वो मिलियंस ऑफ डॉलर, एटलीस्ट बिलियन बिलियन डॉलर की सेल वो करते हैं साल की, तो क्यों ना करें तो बट ये है कि ये उन्होंने दे लार्ज कॉर्पोरेशंस चाइना के सामने और इंडिया के सामने ऐसे ही लेट जाती हैं। नहीं, इंडिया तो अभी डंडा ही नहीं ये वाला खेलता इंडिया है, इंडिया कहता है सर, कि आप हाँ लेट तो जाते हैं, लेकिन इंडिया तो इंडियन जो टुन्नी है वो यही कहते हैं ना कि चाइना वाला फॉर्मूला अपनाओ मामलों में। हाँ लेकिन ये देखो उनके कितने बेड़े गर्क हुए हैं। एप्पल ने वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर कुरान ऐप जो है ना, वो जो कुरान की भी जो सबसे बड़ी ऐप है ना, वो इन्होंने रिमूव कर दिया। बीबीसी अंडरस्टैंड द ऐप वॉज रिमूव फॉर हॉस्टाइल इलीगल रिलीजियस टेक्स्ट, इलीगल रिलीजियस टेक्स्ट, चाइना ने ये कहा कि इसके अंदर इलीगल रिलीजियस टेक्स्ट है, इसलिए यानी हमने कुरान इसको इलीगल रिलीजियस टेक्स्ट है, क्योंकि उन्होंने बैन हाँ कर दिया है ना चाइना में, बैन है कुरान। कुरान बैन हो गया। ये बात तो मुझे मेरे क्लास फेलोज कुछ थे जो कि चाइना पीएचडी करने चले गए, और वो ये बताते हैं कि इनको तो नमाज और इस्लाम पढ़ने की इजाजत थी, मगर वहां के जो मुसलमान हैं उनको बिल्कुल नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं थी, चाइनीज मुसलमान को ना आए कुरान पढ़ने की, जुम्मे की नमाज भी नहीं पढ़ने देते थे उनको, तो चाइनीज निकलो क्या इधर बोल से। रहे भाजवा हाँ हम उनसे पूछना चाह रहे हैं, जो साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हाँ चाइना है और रेलेवेंट है, हम हाँ उनसे पूछना चाह रहे हैं कि क्यों आपने हमारे साथ ऐसे किया है। तो चाइना ने हुकूमत ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया इसके ऊपर, वो देंगे भी नहीं। The company said that it has close to 1 million users in China. The million के करीब उसमें थे, लेकिन China Communist Party recognizes Islam as a religious in country. लेकिन अब उन्होंने कहा है कि however China has been accused of human rights violation, blah blah blah, even genocide against Uyghur Muslim. Earlier this year, BBC reported that Uyghur Imam had been targeted in China. Apple ने भी सर declined to comment कर दिया। नहीं, एप्पल ने कहा बाप बड़ा ना भैया, कुरान का फेंको फिर बस के नीचे। बाइबल बाइबल भी नहीं होगी उधर, बाइबल भी, मगर चाइना में इतने क्रिश्चियन आया कोई नहीं है असल में, लेकिन वो जो भी है क्रिश्चियन क्या प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं, कोई ना वियतनाम का कोई चर्च होगा, कोई इधर उधर का ना, और कोई चीनी मीनी जो लगते हैं वो चाइनीज तरह के लगते हैं, उनके किसी चर्च की वीडियो चढ़ा देंगे जी यूट्यूब पे, और कहेंगे चाइना के चर्च हैं जी, ये देखें रो रो के दुआएं कर रहे हैं, और जी हाँ। इनकी हेल्प करो, अमेरिकन एवेंजेलिस्ट भी लूट रहे हैं चाइना के क्रिश्चियंस के नाम पे भी बहुत ज्यादा। सॉरी ये मैंने जुमला पूरा नहीं किया, एप्पल ने डिक्लाइन किया कमेंट के लिए, लेकिन उन्होंने साथ ईमेल में ना ये वाला अपना दे हैव पॉइंट अपनी पॉलिसी की तरफ उन्होंने कर दिया कि हमें लोकल लॉस को हमने रिस्पेक्ट देनी होती है, चाहे हम उससे एग्री करें ना करें। अच्छा, यानी तो इसका इन मतलब अदर है कि वर्ड अगर एप्पल एप्पल भी फेसबुक की है
हाँ वो कह रहा है भाई हम क्या तो करें जी, फेसबुक ने हमें कहा कुछ परसों डायरेक्टिव नया शुरू किया है, पता नहीं अब वो उस पर कितनी देर कार बंद रहेंगे। इन्होंने कहा कि जी हम एक्टिविस्ट की प्रोफाइल्स को जो है ना वो उससे बैन से एग्जेम्प्ट करार देंगे। अब पता नहीं उसका प्रोसीजर क्या है, देंगे या नहीं। अभी देखें ट्विटर, ट्विटर को भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने 4 दिन पहले फिर कहा, मुझे मेल आई हुई है कि जी आपकी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कहा गालिब कमाल की ट्विटर आईडी बंद कर दो यार, मेरा 3,000 फॉलोअर ऐसे ट्विटर पे और रोज मेरी वीडियोस ब्लॉक करा रहे हैं। इतनी मेरे ख्याल पिछले 15 से 20 दिन के अंदर मेरी कोई 40 वीडियोस ब्लॉक हो चुकी हैं अच्छा आपके पास ज्यादा पाकिस्तान। काम। अच्छा सर सुने बिल्कुल जरा मेरे को फायर खोला हुआ है इन्होंने। हाँ ज्यादा ही खोला। अच्छा, ये देखें आगे देखें कितने मजे की बात हुई है। ये उन्होंने पूछा कि हमें समझ नहीं आ रही कि हम कुरान ऐप ने कौन सी गलत बात की है। तो ये देखें कितनी मजाकिया बात है। फर्ज वो बात करें वो मैंने गलत बात की है, कुरान है आपने थोड़ी अब ये की। देखें, यही है सजा उन लोगों की जो लड़ाई करते हैं अल्लाह और उसके रसूल से और जमीन में फसाद फैलाते फिरते हैं, उनकी इबरतनाक तौर पर कत्ल किया जाए उन्हें, या उन्हें सूली चढ़ाया जाए, या उनके हाथ और पांव मुखालिफ सिफतों से काट दिए जाए। काट दिए भाई जाए, मौजा तीन करो। चबले मारी हैं आपने कुरान मजीद में, इसलिए चाइना कह रहा है कि ये जो घटिया हरकतें आपने की नहीं है ना। अच्छा मजे की बात, खान साहब मगरिब को लेक्चर देते हैं कि इस्लामोफोबिया। अब जरा कहना शी जिनपिंग को, सर जरा मिस्टर मिस्टर प्रेसिडेंट, हमने सुना कि आपने कुरान की ऐप भी बैन कर दी है, कुरान तो पढ़ने की इजाजत नहीं, ये क्या चवलियां मार रहे हैं आप, कुरान उसने निकाल ना कहा जवाब। मामा मामा अगली बार से तू भी चलना, तेरा आना पड़ेगा। अगली बार तो तू नहीं, ऐसी पैसे काट देने तेरे, तू लंबे पा लेना उन्होंने खान साहब ने कहा। मुझे सर लगता है क्या चाइना की लाइन जो है ना पिंकी पीरनी के साथ डायरेक्ट है, वो उनके कान में बोलते हैं और खान साहब फिर वही बोलते हैं जो वो कहती हैं। नहीं, लेकिन देखो यार वैसे वैसे एक खान बात साहब को रन मुरीदी की ना, रन मुरीद तो मैं भी हूं, मगर खान साहब को रन मुरीदी को कोई नेक्स्ट ही लेवल है जो कि अनअचीवेबल है। काल काल उन्होंने काल उन्होंने बोल दिया। आप वैसे ना शर्मा जाते हैं अगर खान साहब को कुछ कहा जाए नहीं, नहीं मैं वैसे मैं ही कह रहा हूं, नहीं खान तो। साहब ने, नहीं, खान साहब के भी कल ट्विटर पे वो मरियम नवाशी वगैरह ने, वो नवाज पीएमएल नवाज ने ये ट्रेंड चलाया हुआ था कि जादू टूनों पे हुकूमत चल रही है, जो कि बात ठीक है। ये हमारी जो फर्स्ट लेडी है उन्होंने कहा है कि ये जो बंदा ना ये गलत है, इस बंदे के ना ये जो नया ISI के सर बड़ा क्राइसिस हुआ है, खान साहब अप्रूव नहीं कर रहे वो। मैंने मैंने ये बहुत पहले कहा था, मैंने वो बहुत असल में ये आर्मी के दो धड़े आपस में लड़े हुए हैं अंदर से, अफगान तो ये मजा साहब ला बीच रहा है। में इनकी इनकी आपस की जंग में ना बीच में ये फंस गए हैं बीच में। तो खान साहब कह रहे हैं यार इन दो में से फैक्शनों में से किसकी साइड ली हाँ, अब जाए। पता नहीं ये भाजपा ग्रुप है या एंटी भाजपा ग्रुप है, किस कौन चाह रहा है कि ये बने और कौन चाह रहा है ये ना बने। मुझे लग रहा है एंटी भाजपा ग्रुप जो है ना वो चाह रहा है कि ये बने और खान साहब उसका अप्रूवल नहीं दे रहे, और बातें डाली जा रही हैं कि खान साहब को के रूहानी पीर पीर साहिबा ने कहा कि जी इनको ना बनाइए आपके लिए भारी होंगे, और मुझे नहीं लगता खान की इतनी जुर्रत है। हाँ पता नहीं दो फैक्शंस बने हैं मिलिट्री में या नहीं है, मुझे लगता है खान का ही पंगा है। मैंने बहुत पहले कहा था कि है तो ये बंदा मैवरी की, जिस दिन इसने इनके जो जो क्या कहते हैं मुफादात अलाइन नहीं करते ना, उस दिन ये अलहदा ले भी सकते हैं। लेकिन मजे की बात ये होगी कि अब जब ये फड्डा इनका आर्मी के साथ होगा तो ये जो पीपल्स पार्टी है और नवाज शरीफ PMLN है, क्या ये लोग इनके साथ उस वक्त खड़े होंगे या नहीं होंगे। सो दैट्स जस्ट इंटरेस्टिंग टू सी। एनीवे मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।